हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की, और उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वो है कि डिजिटल कंप्यूटर्स का, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में हो रहा है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, इंफोटेनमेंट हो, ठीक है, मेडिकल साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, कहीं कोई भी एरिया आप लेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो गया, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सारे जो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जनरली कौन से डिजिट्स को यूज करता है। डिजिटल कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि देखिए नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किसी भी नंबर सिस्टम को जानने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसी भी डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी नंबर सिस्टम को जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसका बेस, ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं, डिजिट्स यूज्ड, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज का, अच्छा, और जो देखिए जनरली नंबर सिस्टम यूज होते हैं वो चार तरह के नंबर सिस्टम यूज होते हैं अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो, या ऑर्डिनरी डेली लाइफ की बात करते हैं तो। जैसे पहला नंबर सिस्टम हो गया आपका डेसिमल, ये डेसिमल वो नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में आज तक यूज करते आए हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10, ठीक है। इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो आप जानते हैं, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये डिजिट्स यूज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, तो ये जो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट हम यूज, और कोई सिंबल आप ये समझ लीजिए, और कोई सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। तो डिजिट्स यूज का मतलब यह है कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम कोई भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो केवल हम ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा और कोई सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, क्लियर। अब सेकेंड आप आ जाइए बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में या डिजिटल सर्किट्स में या डिजिटल लॉजिक में, जहां भी डिजिटल की बात आएगी, देखिए जहां भी हम डिजिटल की बात करेंगे इसका मतलब कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेगा, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ठीक। और इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज होती है, इसमें डिजिट यूज होती है 0 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चाहे जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, चाहे हमें 1,56,00,000 कोई भी कितना भी लार्ज नंबर है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 1,000 तो हम लोग अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में
1000 को लिखते हैं ऐसे, दिस इज 1000, ठीक है। और लेकिन अगर उसको बाइनरी में लिखना होगा तो हमको इस डेसिमल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्जन होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। तो ये हो गया दूसरा नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आ जाइए उसके बाद जो यूज होता है ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, ठीक। और इसमें जो डिजिट्स यूज होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2 से लेकर कहां तक, 7 तक, ठीक है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी अगर कोई भी नंबर, चाहे वो करोड़ों में हो, चाहे लाखों में हो, चाहे मिलियंस में हो, किसमें भी होता है, थाउजेंड्स में हो, अगर उसको हमें ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो केवल इन डिजिट्स का ही यूज होगा, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है, और उसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो केवल 0 से 7 तक यूज होते हैं, ठीक। अब उसके बाद लास्ट जो बचता है वो है हमारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। अब 16 में इसमें डिजिट्स कौन से यूज होते हैं वो आप देखिएगा, ये एक नई चीज आएगी आपके लिए। तो इसमें डिजिट्स यूज होते हैं, देखिए 0, 1 से लेकर कहां तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो बस ये डेसिमल तक हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग नॉर्मल अपने डेसिमल में क्या लिखते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक, ठीक। तो लेकिन ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। 10 की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ए, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक और ए बी सी डी ई एफ का, यानी ये ऐसे नहीं यूज किए जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक और फिर 10 के लिए ए बी सी डी ई एफ। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो मेनली जो चार तरह के नंबर सिस्टम हमने आपको बताए हैं, ठीक है, बेसिकली यही यूज होते हैं किसी भी तरह के डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें, और उसमें भी जो मैक्सिमम यूज होता है वो होता है किसका, वो यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, ठीक। तो ये तो हो गई बेसिक चीज कि किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में हमें उसका नाम, उसका बेस और उसके कौन कौन से डिजिट्स उसमें यूज होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बेस का मतलब देखिए, बेस का मतलब क्या होता है कि बेस को अगर हम दूसरे टर्म्स में आप बात करें तो बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस का यूज होता है कि किसी भी वैल्यू को, कोई भी अगर हम वैल्यू, देखिए बेस का यूज समझ लीजिए कि बेस का जो यूज होता है वो किसी भी वैल्यू को हम जो डिजिट्स अलाउड हैं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, ऐसे समझिए डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। अब बेस और डिजिट्स यूज्ड, पहले ये जान लीजिए बेस और डिजिट्स यूज। तो हमें मालूम है डेसिमल के लिए बेस कितना होता है 10 और डिजिट्स यूज क्या होते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2 से लेकर up to 9 तक। तो इसका बेस का यूज ये होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी नंबर सिस्टम लें, मान लीजिए सपोज कि हमने लिया 1275, किसमें ऐसे हम लिखेंगे 10, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1275 लिखा गया है, ये 1275 लिखा गया है, इसका बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर आप, जैसे आप सपोज कीजिए आपने इस तरह लिखा 1011 और आपने लिख दिया 2, इसका मतलब क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हो रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और बाइनरी का हमें बेस मालूम है क्या होता है 2। ऐसे हमने मान लीजिए 101 लिखा,
ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये नंबर किस में है, ऑक्टल में है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, और ऑक्टल का बेस कितना है 8। उसके बाद लास्ट हमारा क्या रह जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मान लीजिए हेक्साडेसिमल में हमने लिखा, सपोज कीजिए 2AF, इस तरह हमने कोई नंबर लिखा। अब ये नंबर क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे बात करेंगे। और बेस यहां पे लिखा हुआ है 16, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है जिसका बेस 10 है। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप यहां लौट आइए डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम लोग हाँ इसकी बात कर रहे थे 1275। तो मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 1275 है, तो हम आपको बता रहे थे कि बेस का और डिजिट्स का ही केवल इस्तेमाल करके इस नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए अब इसमें ये जो 5 है, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इस 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू बेस कितना है 10, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसको हो गया 5। ठीक, इस 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर 1। देखिए पावर इस तरह लिखते हैं, यहां से 0, 1, 2, 3 ऐसे पावर हम चढ़ाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 1 10, मतलब ये हो गया 70। सॉरी, अब आ जाइए इस 2 पे, ये 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 100, ये हो गया 200। और अब इस 1 को ले लीजिए, इस 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 1 इंटू 1000, ये हो गया 1000। टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1275, वही नंबर आ गया ना, और बेस क्या है इसका 10। तो बेस, इसीलिए आपको बेस जरूरी होता है कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर उस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको आप बेस और डिजिट्स जो अलाउड है उस नंबर सिस्टम में, डिजिट्स अलाउड, उसमें आप इसको ब्रेक करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए हम कोई एक से, सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं और एक नंबर हमने आपको दिया, सपोज कीजिए 1010406 बेस 10। ठीक, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जैसे अभी हमने बताया था 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 0, 0 कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 10 टू द पावर 1, 4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर 0 को लिखेंगे 0 इंटू 10 टू द पावर 3, और फिर 1 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 400, फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 10406 बेस 10, तो वही नंबर आ जाएगा जो आपने लिया था। क्लियर? तो ये यूज होता है किसी भी नंबर सिस्टम के बेस का और उसमें जो डिजिट्स अलाउड हैं उनका। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, अब से एक और नंबर सिस्टम ले लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, नाउ वी कम टू द बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि डिजिटल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अभी हमने पीछे पढ़ा कि बेस कितना होता है 2, और डिजिट्स कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं, डिजिट्स यूज्ड 0 और 1, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं। तो इसमें अगर हम इसी तरह एग्जांपल लें तो, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, सो ईच पोजिशन ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए सक्सेसिव पावर ऑफ 2। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अभी हमने यहां पे लिखा था
इस जगह पे लिखा था 10 के केस में, मान लीजिए हमने यहाँ एक बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा 1011, ठीक, ये कितना हुआ 0 1 2 3। अब इसको हम बोलेंगे ये कितना नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 into, बेस कितना है 2, उसकी पावर 0। फिर इसको हम लिखेंगे 1 into बेस की पावर 1। फिर इसको हम लिखेंगे 0 into बेस की पावर 2। और फिर इसको हम लिखेंगे 1 into बेस की पावर 3। अब ये देखिए कितना आएगा, 2 की पावर 0 1 हो गया, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, और ये आएगा आपका 8। क्लियर? तो इसको जब आप ऐड करेंगे 8 और 2 10 और 1 11, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में ये 11 के बराबर होगा। क्लियर? तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो प्लेस की पोजीशन होती है, ये वाली, समझ रहे हैं? या हम मान लीजिए नीचे एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पे आपको सपोज कीजिए कोई नंबर है 1 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे। तो जो प्लेस की पोजीशन है, जब आप राइट टू लेफ्ट लेंगे तो वो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7, इस तरह बढ़ेगा। या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेस की पावर 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8 16 32 64 and 128। तो जो प्लेस की पोजीशन होती है उसकी ये वैल्यू होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, 1 2 4 8 16 32 64 28, आगे जाएंगे 256, इस तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम का और बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है? तो ये जो दो बेसिक हो गया, अब इसका कन्वर्जन कैसे होता है और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक एकदम डेटा रिप्रेजेंटेशन का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो सके। थैंक यू।